हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी मैक्स अमेज वंस अगेन। और आगे एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू लेके, इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग लेके, जो है एक स्मार्टफोन की। और इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं, मार्केट में आजकल ट्रेंड चल पड़ा है बजट स्मार्टफोन्स का। जो स्पेसिफिकेशन आज से दो साल पहले अगर मैं कहूँ, फ्लैगशिप मॉडल जो सैमसंग एलजी जैसे प्लेयर मार्केट में उतारते थे, उनकी कॉस्ट हुआ करती थी 45 से 50 हज़ार या 60 हज़ार के बीच में। अगर मैं बोलूँ तो उनकी हाई स्पेसिफिकेशन हुआ करती थी, रैम रोम काफ़ी हुआ ज़्यादा हुआ करता था। बट आजकल ट्रेंड चला है कि वही सारी स्पेसिफिकेशन आपको एक बजट स्मार्टफोन के अंदर दे दे। मार्केट में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं अभी, जो ओप्पो ने रियलमी की एक सेगमेंट निकाला हुआ है, एलजी एक अभी डब्ल्यू सीरीज लेके आ रहा है, सैमसंग ने अपनी एम सीरीज निकाली हुई है। ऐसे ही काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो बजट स्मार्टफोन के साथ अभी प्ले कर रहे हैं। विद इन अ बजट दो दो तीन तीन वेरिएंट उन्होंने निकाले और स्पेसिफिकेशन में वेरिएशन रखा है, रैम को लेके, रोम को लेके और डिस्प्ले को लेके और कैमरास को लेके। अगर मैं बात करूं अभी जो मैंने परचेज़ किया है फ़ोन, Redmi Note 7 Pro, ये है 13,999 रुपये का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अभी बजट स्मार्टफोन मार्केट में उतार रहे हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं वो स्मार्टफोन। और जो 60-60 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन हुआ करते थे, आज वो आपको मैं बोलूँ तो 15 से 20 हज़ार रुपये में आपको अच्छे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। वही स्क्रीन साइज, वही कैमरा क्वालिटी, वही रोम, वही रैम, सारी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ लिमिटेड बजट के अंदर आपको मिल जाता है। सो इसकी स्पेसिफिकेशन भी 4GB रैम, 64GB इसकी मेमोरी है और कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर इसमें यूज़ किया, जो कि 2.3 GHz स्पीड देता है आपको, और जो कि गेमिंग के लिए अगर बोलूँ तो बहुत अच्छा है। और इसमें ये है नेबुला रेड, और तीन कलर आते हैं इसके अंदर, ब्लैक आता है, ब्लू आता है और एक नेबुला रेड जो मेरे हाथ में है अभी। बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर, 4000 mAh इसकी बैटरी है। और अगर 14000 के अंदर और मैं बात करूँ तो और कौन कौन से मॉडल आपको अवेलेबल होंगे, रियलमी का 3 आता है वर्जन वो मिल पाएगा, M20, M30 जो सैमसंग ने अभी सीरीज उतारी हुई है मार्केट में, वो आपको विद इन 15 to 17000 के अराउंड आपको M20, M30 आपको मिल जाएगा। M40 भी आ चुका है, M50 भी जस्ट अभी आने वाला है। ओप्पो और वीवो भी सेम प्राइस रेंज में आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ सेम सब कुछ आपको विद इन दिस प्राइस ब्रैकेट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो ये जो वेरिएंट है Redmi Note 7 Pro, ये है 4GB मेमोरी के साथ, 64GB इसकी स्टोरेज है और एक्सपेंडेबल है, और हाइब्रिड सिम लगता है इसमें, या तो ड्यूल सिम लगा लीजिए या एक सिम और एक माइक्रो एस डी कार्ड लगा लीजिए, और सपोर्ट करेगा ये 120GB तक आपको। सो इसके अंदर एक वेरिएंट और होता है 7S करके, जिसका प्राइस थोड़ा लो है और वो भी आपको मतलब विद इन स्क्रीन साइज का सेम रहेगा 6.3 इंचेस के अराउंड, बट वो इससे थोड़ा सा कम में आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। और नोट 7 को जो ये है, इसका एक और अपर वेरिएंट आता है जिसमें आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगी, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी। इसमें आपको कैमरा मिलेगा, रियर कैमरा 48 MP का जो प्राइमरी लेंस है, और सेकेंडरी लेंस जो है इसका 5 MP है। फ्रंट आपको मिलेगा इसके अंदर 13 MP का, और सेल्फी कैमरा जैसे कहते हैं पोर्ट्रेट मोड इसमें अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा है इसकी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है इसकी, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो इफ़ यू आर हंग्री फॉर मोर पावर और मोर स्टोरेज, तो इसके ऊपर वाला वेरियंट भी आप ले सकते हैं, जो है 6GB रोम मेमोरी के साथ और 128GB स्टोरेज के साथ, वो पड़ेगा आपको 70,000 कह रहा हूँ। तो करते हैं इसको अनबॉक्स और दिखाते हैं उसके साथ क्या क्या एसेसरीज और क्या क्या कंटेंट बॉक्स के अंदर है। तो जब तक आप देखिए इंट्रो, और इंट्रो के बाद मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स, चलो। करते हैं इसको अनबॉक्स और देख रहे हैं आप जैसे कि इसकी पैकेजिंग, Redmi Note 7 Pro की ब्रांडिंग, पीछे सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, AI कैम, 48 MP कैमरा, रियर प्राइमरी कैमरा जो है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 675 का इसका, और स्क्रीन साइज इसका 6.3 IPS स्क्रीन है फुल HD, और 4000 mAh की बैटरी है, और क्विक चार्ज सपोर्ट करता है। अगर आप कॉलकॉम चार्जर, स्पेसिफिक चार्जर आते हैं, क्विक चार्ज चार्जर जो आते हैं इसका तार लगाएंगे तो उसका क्विक चार्ज बिल्ट इन है इसके अंदर, सो वो क्विक चार्ज भी सपोर्ट करेगा एक्चुअली। और ओवरऑल पैकेजिंग देखेंगे तो करते हैं इसको अनबॉक्स, ये मिलेगा आपको TPU कवर यानी कि सिलिकॉन बैक कवर है इसका,
कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी हुई है। सिलिकॉन बैक कवर, TPU जिसे कहते हैं, या TPU कवर, ट्रांसपेरेंट है। हालांकि ये सारे मॉडल्स के साथ अवेलेबल है, 7S के साथ भी आता है, और वही सेम एक्चुअली क्वालिटी और वही सेम कवर है। ये है फ़ोन, देख पा रहा हूँ, अब निकालते हैं। वाओ, अमेजिंग, देखे होंगे आप, बिल्कुल ग्लास फिनिश है। गोरिल्ला कॉर्निंग ग्लास 4 है इसके पीछे लगा हुआ, नेपिला रेड कलर है, काफ़ी प्रीमियम है। फ्रंट 6.3 इंचेस की इसकी स्क्रीन है, फुल HD IPS स्क्रीन है विद ड्रॉप नॉच के साथ, ऊपर देख रहे होंगे आप, ड्रॉप नॉच के साथ इसकी स्क्रीन है। 4000 mAh इसकी बैटरी है, Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर है इसका, 48+5 megapixel कैमरा है, 48 megapixel इसका प्राइमरी कैमरा है और 5 MP इसका सेकेंडरी कैमरा है। फ्रंट इसका 13 MP कैमरा है, AI ड्यूल कैमरा, रियर कैमरा है एक्चुअली। इसको देखते हैं एक बार साइड में, देखते हैं क्या है बॉक्स में। चार्जिंग केबल है ये, टाइप सी टू USB 2.0, तो टाइप सी है तो ये लेकिन फास्ट चार्ज आपको सपोर्ट करता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, Qualcomm क्विक चार्ज फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। अगर कोई Qualcomm क्विक चार्जर जो आप आते हैं मार्केट में, अगर आप वो लेके चार्ज करेंगे तो इस रेगुलर चार्जर से काफ़ी जल्दी चार्ज होगा, और जो कि ये क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके साथ मिलेगा और चार्जिंग ब्रिक, 5V 2 एम्पीयर का चार्जर है इसका, USB 2.0 टू टाइप सी। बॉक्स में और कुछ नहीं है, सिर्फ नो ईयरफोन्स नहीं है इस बार इस पर, इसको साइड में रखते हैं। अब एक नज़र मारते हैं फ़ोन पे, देख पा रहा हूँ बिल्कुल ग्लास है एकदम, एक्चुअली बिल्कुल शाइन मारता हूँ एकदम, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, बहुत ही क्लासी एकदम, और लाल कलर, ब्राइट कलर एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे आप देखेंगे स्पीकर वेंट दिए हुए, नीचे टाइप सी, बीच में चार्जिंग पोर्ट दे रखा है इसमें, स्पीकर वेंट के साथ बीच में टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। इस साइड की बात करूँ तो पावर ऑन ऑफ बटन है, और वॉल्यूम लॉकर्स है साइड में, और इधर आप देखेंगे 3.5 mm ऑडियो जैक भी दे रखा है, IR ब्लास्टर भी इसके अंदर है जो देख पा रहे होंगे आप साथ में। तो अगर आप एज ए रिमोट यूज़ करना चाहते हैं TV किसी भी ऑडियो वीडियो डिवाइस के लिए, सेटअप बॉक्स के लिए, तो इजीली आप इसको फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, सिंस IR ब्लास्टर इनबिल्ट है इसके अंदर। इस साइड अगर देखें तो सिम ट्रे साथ में दी हुई है, तो उसको भी देखते हैं अभी। ये है इसका सिम ट्रे इजेक्टर, सिम कार्ड इजेक्ट करके देखते हैं। हाइब्रिड सिम ट्रे है ये, दो सिम या एक माइक्रो SD कार्ड एक सिम लगा सकते हैं, या दो सिम भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट करेगा ये 128 GB तक। तो वापस लगा देते हैं इसको और करते हैं इसको ऑन, ये ऑन हो गया, बैटरी थोड़ी लो है अभी, काफ़ी प्रॉम्प्ट है। और इसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देख पा रहे होंगे आप, पाई लेटेस्ट वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन है इसमें, बैक करते हैं इसको। सो काफ़ी फास्ट है, और काफ़ी मतलब प्रॉम्प्ट है, और एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से खुल रही हैं, जल्दी खुल रही हैं। तो पीछे आपका प्राइमरी 48 मेगापिक्सल कैमरा है, प्लस 5 MP सेकेंडरी कैमरा है इसमें। फ्रंट आप देख रहे हैं ड्रॉप नॉच दी हुई है इसमें, और सेंटर में 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है विद पोर्ट्रेट मोड। तो अगर आपको इनिशियली जब भी आप अगर फ़ोटो लेंगे रियर कैमरे से, तो वो पहले 5 MP कैमरा वाला ही सिलेक्ट करेगा। आप 48 MP वाला कैमरे से अगर शूट करना, तो आपको प्रो मोड में आके शूट करना पड़ेगा ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी फास्ट है कैमरा भी। कैमरे की अगर फीचर्स की बात करूँ तो पैनोरामिक मोड भी है, स्क्वेयर है, नाइट मोड दिया हुआ है, पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है रियर और फ्रंट दोनों कैमरे के लिए। सो ये जो वेरियंट है 4GB प्लस 64GB स्टोरेज के साथ है, और इसके ऊपर भी एक मॉडल अवेलेबल है 6GB प्लस 128GB स्टोरेज का है, जो 17,000 में अवेलेबल है। ये है 13,999 का, और 4000 mAh बैटरी है इसमें,
प्लस आपको इसको मिलेगा MIUI वर्जन, ये जो आप OS देख रहे हैं, जो इसका इंटरफेस देख रहे हैं, ये MIUI कहलाता है और इसका वर्जन है 10 जो लेटेस्ट चल रहा है अभी। सपोर्ट करेगा ये Qualcomm क्विक चार्जिंग भी, और Qualcomm चार्जर अगर आप लेते हैं तो फास्ट चार्जिंग है काफ़ी, तो वो सपोर्ट करेगा, वो फीचर है Qualcomm क्विक चार्जिंग का। स्क्रीन देख रहे हैं आप 6.3 इंचेस फुल HD IPS स्क्रीन है इसकी LED, और पीछे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, बैक सरफेस काफ़ी जल्दी फिंगरप्रिंट स्कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। आई वुड प्रेफर के इसके साथ जो PU केस या TPU केस जो आपके साथ इसके साथ मिला है तो बैक कवर लगा के ही रखिए, सो देट के फिंगरप्रिंट से एटलीस्ट बचा रहे। तो कलर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये है नेबुला रेड, और इसके साथ आपको दो कलर और मिल जाते हैं, ब्लैक और ब्लू इसमें अवेलेबल है, टोटल तीन कलर इसमें अवेलेबल है। तो मल्टीटास्किंग करनी है तो इसके लिए काफ़ी बेस्ट है, प्लस 4000 mAh बैटरी है, बैकअप की कोई चिंता नहीं है। सो इस रेडमी नोट 7 प्रो के साथ मैंने परचेस किया है इसका MI स्क्रीन प्रोटेक्ट का प्लान, जो है 800 रुपये में अवेलेबल, और 2 साल तक आपको कवरेज देगा स्क्रीन प्रोटेक्शन से। अगर बाई चांस एक्सीडेंटली अगर आपका ये फ़ोन गिरता है और स्क्रीन टूटती है तो आपको विदाउट एनी सिंगल पेनी पे किए हुए तो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीन रिप्लेसमेंट MI की तरफ से, और ये अवेलेबल एक्सक्लूसिवली MI स्टोर पे। सो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं 800 रुपये में 2 साल के लिए, आई थिंक बुरी चीज़ नहीं है, तो आपका फ़ोन एक्चुअली सिक्योर हो जाता है स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ। सो आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मुझसे पूछिएगा इस फोन से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी आपकी, तो मैं जरूर आंसर करूँगा। और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर आप प्रेस कीजिए ताकि आने वाले फर्दर नोटिफिकेशन आपको भी मिले। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। सो टिल देन बाय बाय।